हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी अपकमिंग डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। FDA के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ USA, USFDA, CDSCO, TGA, MHRA। रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ USA, तो इनमें से कौन सी है USA की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज? तो ये है USFDA। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। USFDA इज द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ USA। देन CDSCO होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया इज CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये TGA होता है थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। ऑस्ट्रेलिया की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है TGA, थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये MHRA है UK की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। MHRA होती है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ ICH, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, इंडियन कमिटी ऑन हार्मोनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑन हार्मोनाइजेशन। तो क्या होता है ICH का फुल फॉर्म? तो ICH होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ICH इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDA? NDA का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ड्रग एसोसिएशन, नो ड्रग एब्यूज, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, नॉन ड्रग एप्लीकेशन। व्हाट इज NDA? तो NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज NDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग डेवलपमेंट टीम कनेक्ट्स विथ ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक अफेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। ड्रग डेवलपमेंट टीम कनेक्ट्स विथ, तो ड्रग डेवलपमेंट टीम कनेक्ट्स विथ ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स, देन क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक अफेयर्स ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ IND, इंडियन न्यू ड्रग, इंटरनेशनल न्यू डोज, इंडियन नॉन ड्रग, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो क्या होता है IND का फुल फॉर्म? तो INDA होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग इज IND। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग IND एप्लीकेशन इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सक्सेसफुल क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सक्सेसफुल पोस्ट क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव। द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज द रिजल्ट ऑफ, तो ये होता है सक्सेसफुल प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ UK, यूनाइटेड किंगडम की रेगुलेटरी अथॉरिटीज, TGA, HSA, MHRA, USFDA। तो इनमें से कौन सी है रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ UK? तो UK की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है MHRA। ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी होती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये TGA होती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। USFDA है यूनाइटेड स्टेट की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। देन ये HSA होती है हेल्थ साइंसेस अथॉरिटी, ये होती है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन IND वुड बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए क्लिनिकल ट्रायल इफ द ड्रग इज ए न्यू केमिकल एंटिटी इन ए न्यू डोसेज फॉर्म बीइंग एडमिनिस्टर्ड एट ए न्यू डोसेज लेवल, ऑल ऑफ द अबव। IND होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। एन IND वुड बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए क्लिनिकल ट्रायल इफ द ड्रग इज, तो IND रिक्वायर्ड होता है टू कंडक्ट ए क्लिनिकल ट्रायल इफ द ड्रग इज न्यू केमिकल एंटिटी इन ए न्यू डोसेज फॉर्म एंड बीइंग एडमिनिस्टर्ड एट ए न्यू डोसेज लेवल। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट वी स्टडी क्वालिटी, ADME, एडवर्स रिएक्शन, साइड इफेक्ट्स। इन नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट वी स्टडी, तो क्या स्टडी करते हैं इन नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट? तो इन नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट वी स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ए ड्रग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ADME की स्टडी करते हैं इन नॉन टेक्निकल ड्रग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, NDA कैन कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज डैश सेक्शंस 15, 14, 17, 13।
एनडीए कैन कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज डैश सेक्शंस। तो कितने सेक्शंस होते हैं एनडीए में? तो एनडीए कैन कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज 15 सेक्शंस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 15 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए टेक्स 12 टू 15 ईयर्स, 15 टू 20 ईयर्स, 10 टू 12 ईयर्स, 3 टू 5 ईयर्स न्यू ड्रग एप्लीकेशन टेक्स। तो एनडीए टेक्स 12 टू 15 ईयर्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WIPO इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशनल प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है WIPO का फुल फॉर्म? तो WIPO होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है WIPO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मार्केटिंग फेज कंटेंट्स एडिशनल इंडिकेशंस, एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग, प्रोडक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। पोस्ट मार्केटिंग फेज कंटेंट्स, तो क्या होता है पोस्ट मार्केटिंग फेज में? तो पोस्ट मार्केटिंग फेज कंटेंट्स एडिशनल इंडिकेशंस, देन एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग एंड प्रोडक्ट डिफेक्ट्स रिपोर्टिंग ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDER इज सेंट्रल ड्रग इवैल्यूएशन रिसर्च सेंटर, सेंटर ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, सेंट्रल ड्रग इकोनॉमी एंड रिसर्च, सेंट्रल ड्रग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो क्या होता है CDER? तो CDER होता है सेंटर ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च होता है CDER। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इज नोन एज पोस्ट क्लिनिकल डेवलपमेंट, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, क्लिनिकल डेवलपमेंट, क्लिनिकल रिसर्च। नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इज नोन एज, तो नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इज नोन एज क्लिनिकल रिसर्च। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्लिनिकल रिसर्च होता है नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ANDA इज एप्लीकेबल फॉर न्यू ड्रग, जेनरिक ड्रग, सिंथेसाइज ड्रग, हर्बल ड्रग। ANDA इज एप्लीकेबल फॉर, तो ये ANDA होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर जेनरिक ड्रग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, जेनरिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ANDA टेक्स 0 टू 1 ईयर, 1 टू 2 ईयर्स, 4 टू 5 ईयर्स, 5 टू 10 ईयर्स एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन टेक्स। ANDA का फुल फॉर्म होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड इट टेक्स 1 टू 2 ईयर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1 टू 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी न्यू ड्रग हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एन अप्रूव्ड NDA बिफोर US कमर्शियलाइजेशन सिंस 1938, सिंस 1945, सिंस 1935, सिंस 1940। एवरी न्यू ड्रग हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एन अप्रूव्ड न्यू ड्रग एप्लीकेशन बिफोर US कमर्शियलाइजेशन। तो ये होता है सिंस 1938। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एवरी न्यू ड्रग हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एन अप्रूव्ड NDA बिफोर US कमर्शियलाइजेशन सिंस 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज टू ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स नीड्स डैश हेल्दी वॉलंटियर्स मोर देन 1000, 100 टू 1000, फ्यूअर देन 100, 10 टू 30। फेज टू ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स नीड्स डैश हेल्दी वॉलंटियर्स, तो कितने हेल्दी वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन फेज टू ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स? तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है फ्यूअर देन 100 हेल्दी वॉलंटियर्स की। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, फ्यूअर देन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, TGA इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है TGA, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है TGA, थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सिंगापुर की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है हेल्थ साइंसेस अथॉरिटी HSA एंड जापान की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है PMDA, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CTD इज कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, क्रिटिकल टेक्निकल डॉक्यूमेंट, क्रिटिकल टेक्निकल डोसियर, कॉमन टेक्निकल डोसियर। क्या होता है CTD? तो CTD होता है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ANDA इज एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एब्रीवेटेड न्यू डोज एप्लीकेशन, एब्रीवेटेड नोवेल ड्रग एप्लीकेशन, नन ऑफ दी अबव। क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ ANDA?
तो ANDA होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज ANDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल ट्रायल्स आर मार्केटिंग फेज, स्टडी ऑफ ADME, टेस्टिंग इन एनिमल्स, टेस्टिंग इन ह्यूमंस। तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं टेस्टिंग इन ह्यूमंस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, क्लिनिकल ट्रायल्स आर टेस्टिंग इन ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल रजिस्टर एक्ट वॉज एमेंडेड इन डैश टू प्रोवाइड अ कोडिफिकेशन ऑफ ऑल रेगुलेशंस एवरी 5 years नोन एज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, 1936, 1937, 1939, 1938। तो कब एमेंडेड किया गया था फेडरल रजिस्टर एक्ट टू प्रोवाइड अ कोडिफिकेशन ऑफ ऑल रेगुलेशंस एवरी 5 years नोन एज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस? तो फेडरल रजिस्टर एक्ट वॉज एमेंडेड इन 1937, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ द डैश, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, पब्लिक हॉस्पिटल सर्विस एक्ट, सिविल फेडरल रेगुलेशंस, पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ BLA इज बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन, बायोलॉजिक लॉ एप्लीकेशन, बायोलॉजिक लाइसेंस एब्रीविएशन, बायोलॉजिक लॉ एब्रीविएशन। तो क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ BLA? तो BLA होता है बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, BLA इज बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dash is the means through which the sponsor technically obtains the exemptions from the FDA, ANDA, AIND, INDA, IND. The dash is the means through which the sponsor technically obtains the exemptions from FDA. तो sponsor technically obtains the exemptions from FDA through IND, investigational new drug application. Next question, full form of CFR is code of federal rules, civil federal regulations, code of federal regulations, civil federal rules. क्या होता है CFR? तो CFR होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस होता है CFR, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।